नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं किस लोकेशन पर आया हूं, तो भाई आज मैं कोई लोकेशन पर नहीं आया। आपको राजकोट सिटी की जितनी फेमस रोड है, फेमस जो लोकेशंस हैं, फेमस रोड है, वो आज इस ब्लॉग में मैं दोस्तों कवर करने वाला हूँ, वही एक्सप्लोर आज हम करेंगे। तो आइए मेरे साथ, चलिए चलते हैं राजकोट के एक शानदार सफ़र पर। तो दोस्तों, ये है 150 फीट रिंग रोड, और मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग अगर कोई रोड है, कोई एरिया है, तो दोस्तों वो यही है, 150 फीट रिंग रोड। चलिए देखते हैं इसे। दोस्तों, राजकोट को मिनी मुंबई भी कहा जाता है, और राजकोट एक बहुत ही फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी है इंडिया का। राजकोट फोर्थ इम्पॉर्टेंट सिटी है गुजरात स्टेट का, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट और मुख्य शहर है गुजरात स्टेट का। और स्वच्छ भारत जो अभियान है, वहाँ पर राजकोट को 7th रैंक मिली हुई है, मीन्स यू कैन से कि इट इज़ अ क्लीनेस्ट सिटी। राजकोट होल्ड करता है 35th रैंक अमॉन्ग द लार्जेस्ट अर्बन मेट्रोपॉलिटियन सिटीज़, एंड राजकोट इज़ वर्ल्ड 22nd फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। मतलब कि पूरी दुनिया के जो ग्रोइंग सिटीज़ हैं, उनकी लिस्ट में राजकोट की 22nd रैंक है। और दोस्तों, आप लोग इस व्लॉग के माध्यम से ये भी महसूस कर पाओगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है राजकोट की, वो बहुत ही ह्यूमंगस हुई है, मतलब बहुत हुई है यार। और ये साफ पता चलता है जब आप राजकोट में घूमने आते हैं, तो ज़रूर आइए राजकोट में, एक बार घूमने आइए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। दोस्तों, ये जो कुछ फ्लाईओवर्स हैं, जो अभी आप सामने आप देख पा रहे हो, ये जैसे कि ये एक फ्लाईओवर आया है, तो ये फ्लाईओवर्स रिसेंटली ही डेवलप हुए हैं राजकोट सिटी में। और मैं कह सकता हूँ कि ये जो फ्लाईओवर्स हैं, ये राजकोट सिटी की ब्यूटी में और चार चांद लगाते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, 2013 में राजकोट को बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का भी अवार्ड मिला था। ये शॉट मैंने फ्लाईओवर के ऊपर से लिया था, एंड मैं कह सकता हूँ कि एक बेहतरीन शॉट था ये। और भाई, यहाँ पर 150 फीट रिंग रोड में ये जो आप नीचे आप अभी आप देखोगे, ये देखिए, यहाँ पर ये जो सारी शॉप्स आप देख रहे हो, यहाँ पर पिज़्ज़ा, आपको बेस्ट पिज़्ज़ाज मिलेंगे भाई यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पर टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छे पिज़्ज़ाज की वैरायटी यहाँ पर मिलती है अलग अलग शॉप्स हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा की और बर्गर की, भाई मज़ा आ जाता है। दोस्तों, प्रेजेंटली राजकोट सिटी में स्काईलाइन शॉपिंग मॉल्स, ऑडिटोरियम हॉल्स एंड वेरियस बड़ी बड़ी स्काई क्रिपर्स की वजह से
राजकोट का जो एक लुक है वो बहुत ही अमेजिंग आता है। ये मैं देखिए जा रहा था, जो फ्लाईओवर्स हैं और बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं, तो एक फ्लाईओवर है 150 फीट रिंग रोड में, तो वहाँ से नीचे जाते हुए दोस्तों जो लुक आता है, जो नज़ारा आता है, वो बहुत ही अमेजिंग आता है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों बताना। और अगर ये वीडियो आप यहाँ तक अभी भी आप देख रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ज़रूर से इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए दोस्तों और शेयर करिए। तो भाई यहाँ से 150 रिंग रोड जो है राजकोट की, उसका एंड होता है और अब हम चलेंगे नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट रोड की तरफ। उससे पहले मैंने 150 फिट रिंग रोड का एक एरियल व्यू लिया है, तो वो एरियल शॉट, एरियल व्यू भी आप दोस्तों देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए है ना, तो दोस्तों ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये जो अभी अंडर ब्रिज आएगा, अंडर पास है जो, तो अंडरग्राउंड ब्रिज, तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा है। ये हमारे जो CDS थे जनरल बिपिन रावत जी, उनके नाम पर दोस्तों बना हुआ है और बहुत ही बेहतरीन लगता है। आप भी एक बार दोस्तों देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये है महारानी लक्ष्मीबाई जी का स्टैचू, और ये बहुत ही फेमस लैंडमार्क है राजकोट का। ये लक्ष्मीबाई जी की एक सर्कल है, यहाँ पर बीच में स्टैचू है और एक चौक है। यहाँ से फिर आप टर्न लेते हैं और सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक अंडर ब्रिज है, और इस अंडर ब्रिज को पार करते ही जो रोड आती है उसे हम कहते हैं कालावार रोड। तो ये जो आप देखिए जिस रोड में अब हम ये एंटर कर रहे हैं, ये है कालावार रोड राजकोट। तो दोस्तों अब मैं आपको कालावार रोड जो है, यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं, फेमस लोकेशंस हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये है देखिए आपके सामने, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टेंपल, स्वामी नारायण भगवान का टेंपल, और ये कालावार रोड पर स्थित है राजकोट में। तो जब भी आप राजकोट विज़िट करिए तो इस टेंपल को ज़रूर विज़िट करिए और स्वामी नारायण भगवान का आशीर्वाद भी ज़रूर लीजिए। तो दोस्तों अभी हम यहीं कालावार रोड पर ही आगे बढ़ रहे हैं, चलिए बढ़ते रहते हैं। वीडियो को एंजॉय करिए, सब्सक्राइब करिएगा यार चैनल को। तो भाई ये जो आप सामने देख रहे हो ये कोटेजा चौक, और मेरे सामने ही अभी आप जैसा कि आप भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये MiG-27 का एक रेप्लिका यहाँ पर रखा हुआ है, MiG-27 फाइटर प्लेन का कोटेजा चौक में। और ये एक वन ऑफ दी बहुत ही बेस्ट अट्रैक्शंस है राजकोट सिटी की, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यार MiG-27। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये जो सामने है आपके स्क्रीन पर, ये है आम्रपाली अंडर ब्रिज।
ये अभी अभी नया दोस्तों बना हुआ है राजकोट में, नया अंडरब्रिज ये डेवलप हुआ है, तो ये भी आप देखिए, ये भी एक मुख्य स्थलों में से एक मैं कह सकता हूँ, एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दर्शाता हुआ ये आम्रपाली अंडरब्रिज यहाँ पर जो बना हुआ है बहुत ही बेहतरीन है। तो ये दोस्तों जब हम दूसरी तरफ से एंटर होते हैं आम्रपाली अंडर ब्रिज के अंदर, तो वो लुक मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ से अब हम बढ़ेंगे दोस्तों रेस कोर्स रोड की तरफ, तो पूरी रेस कोर्स रोड को कवर करके आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया है, तो वो अब हम देखते हैं। चलिए तो भाई अब हम आ चुके हैं रेस कोर्स रोड पर, और आपको एक बात बताऊं दोस्तों कि राजकोट सिटी जो है इसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी। तो दोस्तों अब रेस कोर्स रोड पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक शॉप है जिसका नाम है शिव आइसक्रीम। ये देखिए ये रही वो शॉप, और यहाँ की आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी है, आप आएँ तो ज़रूर टेस्ट करिएगा, मैंने टेस्ट की है। और ये है बिग बाइट। बिग बाइट एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप अलग अलग तरह के फास्ट फूड का एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये रेस कोर्स रोड है और बहुत ही फेमस रोड है राजकोट की, आपको कैसी लगी? दोस्तों राजकोट से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि 1948 से लेकर 1956 तक जो राजकोट सिटी है उसे सौराष्ट्र रीजन का राजधानी कहा गया, मतलब सौराष्ट्र रीजन की राजधानी था वो। दोस्तों अब यहीं पर रेस कोर्स रोड पर आगे बढ़ते हुए ये देखिए, ये है फन वर्ल्ड, और फन वर्ल्ड का तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो व्लॉग मैंने बनाया हुआ है अपने इसी चैनल पर, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये व्लॉग देखने के बाद, आप फन वर्ल्ड का भी पूरा व्लॉग जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि राजकोट में एक बस टर्मिनल दोस्तों बना हुआ है नया, उसको राजकोट बस पोर्ट कहते हैं, और इतना हाईली डेवलप्ड है कि आपको लगेगा ये कोई एयरपोर्ट है, तो एक बार आप वो भी आप देख लीजिए। तो ये है भाई राजकोट का बस टर्मिनल, राजकोट बस पोर्ट, जो कि 11,589 स्क्वायर मीटर्स में बना हुआ है। सो बाय बाय दोस्तों, ये था आज का व्लॉग, कैसा लगा आपको कमेंट में बताइएगा, और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलूँगा अगली किसी लोकेशन पर। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू, भारत माता की जय, जय हिंद।